और 226 डॉलर का आएगा ही, 20,000 के समथिंग आएगा, है ना। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि दीपक पाटीदार ने विजय रिया व्लॉग्स को किस प्रकार से झूठा कहा है। उसका क्लिप भी मैं आगे डाल दूंगा, तो आप देखिए क्लिप में किस प्रकार से वो विजय रिया व्लॉग्स को झूठा कह रहे हैं। साइड में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आज मैं बात करने जा रहा हूँ विजय रिया व्लॉग की, कि उन्होंने अभी हाल ही में इतना, समझ लो आप, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है ये बंदा। पहला झूठ विजय रिया व्लॉग का कि वो दिखाना चाहते थे इस महीने की उनकी इनकम, और उन्होंने बताई मार्च अप्रैल की इनकम, जब उनका चैनल नया नया स्टार्ट हुआ था, पहली बार मोनिटाइज हुआ था, और पहले महीने की जो इनकम आई थी 22,000 डॉलर जो उनके पहली इनकम थी, वो उन्होंने इस वीडियो में बताई। तो वो बताने की पहली बात तो जरूरत नहीं थी, अभी की जो इनकम है उनकी, वो इनकम उनको बतानी चाहिए थी। तो हुआ पहला झूठ। और दूसरा झूठ उनका ये है कि वो बोलते हैं कि 20,000 से 22,000 रुपए महीने का मेरे को मिलता है यूट्यूब से, और मेरा घर का खर्चा चलता है, मेरी चांदी की पढ़ाई हो जाती है, बस सिंपल सा मेरा परिवार चलता है। आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से दीपक पाटीदार विजय रिया व्लॉग्स को झूठा कह रहे हैं। उसका क्या कारण है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी क्या कारण था दीपक पाटीदार का विजय रिया व्लॉग्स को झूठा कहने का, चलिए उसका भी हम क्लिप देख लेते हैं। साइड में मैं लगा देता हूँ स्क्रीन पर, आप देखिए। पेमेंट हमारी कब की है दोस्तों? तो ये पेमेंट हमारी है अप्रैल महीना की। और एक स्क्रीनशॉट लगा रहे दोस्तों, ये देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट आप लोग देखे ये है मार्च महीना की, और इसमें 110 डॉलर और 226 डॉलर का आएगा ही, 20,000 के समथिंग आएगा। कितना पेमेंट आई ये तो आप लोग को दिखा दे दोस्तों, मार्च और अप्रैल की। तो आप लोग इसी हिसाब से आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि हमारी पेमेंट कितनी आती है, सबसे कितना कमाते हैं, तो आप लोग एक आंकड़ा लगा सकते हैं। और हमको लगता है कि ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ भी होगा, इसलिए सभी लोग नहीं बताते हैं। इसलिए हम लोग भी 2 महीना का तो आप लोग दिखा दिए दोस्तों कि हमारी पेमेंट कितनी आई थी, और वही हिसाब से आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे आता होगा, जैसे हमारा जो घर परिवार है वो अच्छी तरह से चल जाती है, और जो मतलब घर के जो खर्चे होते हैं चांदी को अच्छे से पढ़ा लिखा लेते हैं, बस यही हमारी कमाई है, क्योंकि कोई एग्जैक्ट नहीं बताते हैं। और हमको लगता है कि यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ भी होगा, इसीलिए लोग नहीं बताते। तो आपने पूरा क्लिप देख लिया, अब मैं बता देता हूँ आपको कि दीपक पाटीदार ने जो कहा है वो पूरा वीडियो नहीं देखा था उन्होंने, शायद विजय रिया ब्लॉग्स का, इस कारण से उन्होंने विजय रिया ब्लॉग्स को झूठा कहा है। जबकि रियल बात यह है कि विजय रिया ब्लॉग्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने मार्च और अप्रैल महीने की अपनी इनकम बताई। उन्होंने कहा था कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी मार्च और अप्रैल की इनकम इतनी बनी थी, तो अब मेरी इनकम कितनी है, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि अभी भी 20,000 से 22,000 पे ही अर्निंग करता हूं, लेकिन अब जैसे व्यूज आ रहे हैं तो अब उस व्यूज के हिसाब से मेरी पेमेंट ऊपर नीचे होती रहती है। और एग्जैक्टली यूट्यूब अर्निंग बताना यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, इस कारण से विजय रिया व्लॉग्स ने सही तरीके से अपनी अर्निंग नहीं बताई है। ऐसा नहीं है दीपक पाटीदार जी कि किसी को आप बदनाम नहीं कर सकते, झूठा नहीं बोल सकते, क्योंकि व्यूज़ पाने के चक्कर में आपने विजय रिया व्लॉग्स को झूठा कह दिया, ये सही नहीं है। मैं अपनी ऑडियंस से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ जा कर के अपनी अर्निंग बताएगा तो वो तो ऐसा थोड़ी ना करेगा कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। उसको तो ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको तो अपने यूट्यूब चैनल को चलाना है आगे, इसलिए वो यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जाता है। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इतना शेयर करना कि दीपक पाटीदार के पास भी पहुंच जाए और उनको सच्चाई का पता लगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।